हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन्थ, योर चैप्टर मोशन एंड टाइम, इसका ये सेकंड वीडियो रहा आपका आज। तो स्टूडेंट्स, आपको समझाया था मोशन और टाइमिंग के बारे में, आपको काफ़ी सारा डिस्कशन किया था। अब इसी में आगे और समझाएंगे, आपने पीछे का समझा होगा, अब इसी के आगे और वीडियो में आपको लेके आए हैं, इसमें समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट इस पर कंप्लीट हुए थे, आपसे कहा था कि आप बॉल को क्या है डिस्टेंस और टाइम निकालें और उससे क्या है डिवाइड करें और फिर स्पीड फाइंड करें। तो आपने, मुझे लगता है कि अगर इतने अच्छे एग्जांपल्स बताए थे और किए भी होंगे तो इंटरेस्ट भी आया होगा। अब इसी में हम आगे चलते हैं। अब हम आज आपको यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, टाइम और स्पीड की यूनिट्स, मतलब समय और चाल का मात्रक क्या होता है, इस बारे में बताएंगे। तो टाइम का जो यूनिट होती है, टाइम की यूनिट यहाँ पे मात्रक जो होता है वो होता है सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड होता है, सेकेंड को आप मिनट में और हावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन स्पीड का जो यूनिट होती है, स्पीड की जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसका क्या मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड। आप मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिनट को हावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व भी करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। नाउ आप ये देख रहे हैं, टेबल 13.4 में फास्टेस्ट स्पीड द सम एनिमल्स कैन अटेन, ठीक है ना। अब इसमें स्पीड दे रखी है और नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नेम दे रखे हैं फैलकॉन, और फिर इसके अलावा चेठा और ब्लू फिश हो गई, रैबिट हो गया, एक्सेट्रा, काफ़ी सारे दे रखे हैं। तो हम स्पीड से मतलब करते हैं अब आपका थोड़ा सा, ठीक है ना। तो एक मिनट, डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो रहा है उसके लिए सॉरी। नाउ अच्छा, स्पीड हमें दी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं कि स्पीड हमें दे रखी है और हमें स्पीड किस में फाइंड करनी है, मीटर पर सेकंड में हमको इसको फाइंड करना है, मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड में फाइंड कैसे करोगे भाई, स्पीड दे किस में रखी है, किलोमीटर पर हावर में दी हुई है, यहाँ दे रखा है ऊपर किलोमीटर पर हावर, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, तो एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, हमें नहीं पता है आपको, एक किलोमीटर में मीटर 1000, ठीक है। अच्छा, वन हावर में सेकंड कितने होते हैं, वन हावर में सेकंड होते हैं 3600 सेकंड, ठीक है। या फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दो हिस्सों में, ठीक है ना, हावर को पहले मिनट में और मिनट को फिर सेकंड में। वन आवर में मिनट कितने हो गए, 60 हो गए, और 60 मिनट को फिर कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो फिर 60 हो जाएगा। तो 60 मल्टीप्लस 60 कितना हो जाता है, 3600, मतलब 3600 हो जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, मैंने दोनों एक्सप्लेन करी हैं आपको, जैसे आप चाहें वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बुक में जो एक्सप्लेन, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, इसमें जो एक्सप्लेन है वो कैसे किया है, इसमें एक्सप्लेन किया है कि भाई 320 तो एज इट इज़ जैसा है वैसा ही है, किलोमीटर को इसने 1000 लिखा हुआ है, हावर को अपॉन में है, तो अपॉन में क्या है, पहले इसने मिनट में किया है और फिर उसको किस में किया है, सेकंड में किया है। तो आप यदि चाहते हैं मिनट और सेकंड दोनों में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों को आप 3600 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपका वही होगा जो इसका हो रहा है, ठीक है जी। तो आप इसको सॉल्व करके देखें, ये आपको सभी में देखिए स्पीड दे रखी है, ठीक है ना। तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर में, इसको आपको निकालना है किसमें, मीटर पर सेकंड, ठीक है। जैसे ये अगला है, इसी का 112 वाला, तो इसका कैसे हो जाएगा भाई, 112 मल्टीप्लाई, ठीक है ना, हम थोड़ा अलग करेंगे इसे थोड़ा सा, ठीक है ना। किलोमीटर को अगर हमने मीटर में बदला तो 1000, इसके बाद अपॉन, एंड देन हावर को फिर किसमें बदलना है, सेकंड में बदलना है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3600। अच्छा, 20 से 20 कैंसिल हो गए, ठीक है ना। उसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी
इसमें कन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन वन टू डबल वन ज़ीरो, ठीक है ना, और अपॉन 36। तो ये आपका एग्जांपल हुआ, ठीक। तो आप बाकी और क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट हम कर अब बात करते हैं चाल मापना, मेजरिंग स्पीड, स्पीड को मापना, ठीक है ना। स्पीड कैसे मापते हैं, आप कहाँ देखा होगा कैसे मापते हैं, ठीक है। देखिए ये जो मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कार का जो मीटर होता है, डैशबोर्ड जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, कार डैशबोर्ड जो हो गया, अब इस कार डैशबोर्ड में आप कैसे पता चलेंगे, इसमें देखो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बहुत अच्छी तरीके से स्पीड फाइंड कर सकते हैं। इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस ये लिखा हुआ किलोमीटर में, ठीक है ना। तो डिस्टेंस भी मिल गया हमें, ठीक है ना। अब हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए, टाइम और चाहिए, ठीक है, कितने समय में। अब ये मैंने क्या किया, इसको मैंने आज गाड़ी चलानी स्टार्ट की, और गाड़ी चलाने के बाद मैं कुछ दूरी तक गया, कुछ दूरी तक मतलब मैं गया 60 किलोमीटर तक, ठीक है, 60 किलोमीटर गया, तो यहाँ लिखा आ जाएगा 60 किलोमीटर, ठीक। 60 किलोमीटर टाइम मेरे पास होगा पहले से कि मैं 2 घंटे में पहुँचा 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर पहुँचा, मैं किस स्पीड से गया, अगर मैं स्पीड से गया 60 की, तो मेरे पास तीनों चीज़ हो गई, लेकिन मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे क्या निकालना है भाई, मेरे पास डिस्टेंस हो गया, सॉरी डिस्टेंस हो गया किलोमीटर में, और मेरे पास स्पीड है कि मैं किस स्पीड से गया। तो अब मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ इससे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। क्यों क्यों निकाल सकते हैं टाइम भाई, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मेरे पास क्या क्या है, ये क्या है, कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो स्पीड निकल है मेरे पास, ठीक है, किलोमीटर, डिस्टेंस है मेरे पास। जब दो चीज़ मेरे पास मिल गई, तो तीसरी चीज़ तो मैं ऑटोमेटिक फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। जब क्वेश्चन आएंगे तो इस बारे में और भी डिस्कशन करेंगे। नाउ अब यहाँ आप ग्राफ में देख रहे हैं भाई ओवर्स, ठीक है ना। तो ग्राफ में इसके अलावा आपको बेटा जी, चलिए स्पीड की बात, इसके बाद अब हम आते हैं दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ मतलब दूरी, अब तक तो हम सिंपल फॉर्मूले से कर रहे थे, अब ग्राफिकल मेथड से, किसी भी चीज़ को ग्राफिकल मेथड से हम कैसे समझें, ठीक है ना। दूरी समय ग्राफ में या ग्राफिकल मेथड से कई सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है सब 8 AM में, ठीक है ना। फिर रीडिंग किलोमीटर में कितना हुआ, इतना हुआ। डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कितने से, 0 से मैंने स्टार्ट किया था, और कितने किलोमीटर पहुंच गया, इतने किलोमीटर पहुंच गया, ठीक है। ऑफ टर्न करना है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, पहले आप देख रहे हैं, तो पहले क्या हुआ, 1 से गए और 1 पर गए, ठीक है, 1 किलोमीटर में, तो एक ही 1 किलोमीटर की डिस्टेंस, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, ठीक है ना। तो ओवर्स में लिखा है, इसमें लिखा हुआ है ए बार ग्राफ शोइंग रन्स स्कोर बाय ए टीम इन ईच ओवर, प्रत्येक ओवर में उनके क्या है, रन की, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक ओवर में रन की क्या, रन का है स्पीड के, इसके बाद देख लेंगे। तो पहले ओवर में रन कितने बने, 1। दूसरे ओवर में रन कितने बने भाई, दूसरे ओवर में बने 5। तीसरे ओवर में कितने बने, 3 ओवर में बने 3 ही रन बने, ठीक है ना, जस्ट सामने जो होता है उसको चेक करते हैं। 4 वाले में कितने बने, 4 वाले में बने 10 रन। 5 वाले में कितने बने, 5 वाले में 2। और 6 वाले में कितने बने, 6 वाले में 6 ही रन बने। तो क्लियर है ना, आपको पता होना चाहिए 1 ओवर में कितने बॉल्स होती हैं, 6 बॉल्स, तो 6 बॉल्स में कितने कितने रन आए, इतने इतने रन आए, ठीक है। इन ए ओवर, एक ओवर का आपका जो कवर टाइमिंग किया है आपने, ये निकल के आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस, ठीक है ना। अब इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ए पाई चार्ट शोइंग कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर का जो कंपोजिशन होता है, ठीक है ना। पाई चार्ट से आपको क्या है, शो ऑफ किया गया है यहाँ पे। तो पाई चार्ट में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, पाई चार्ट में कैसे शो ऑफ करेंगे आप, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन दिया हुआ है,
अदर गैसेस हैं, नाइट्रोजन है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो एरिया इतना कवर है ये किसका है, नाइट्रोजन का, यहाँ से लेके यहाँ तक किसका है, ऑक्सीजन का, और ये छोटा सा जो येलो कलर में दे रखा है ये क्या है, अदर गैसेस है, ठीक है ना। तो अच्छा ये इतना कवर कैसे है, क्यों है, इसका रीज़न है, रीज़न है, रीज़न क्या है, जो आपको पता भी है और आप पढ़ के भी आ चुके हैं और आपको इतनी नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं वो कितना परसेंट है हमारे पास पास भाई। हम जब ब्रीथ इन करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं ना, और ऑक्सीजन के बारे में हमें नॉलेज भी होनी चाहिए। तो भाई ऑक्सीजन हमारी कितनी परसेंट रहे, ऑक्सीजन जो हमारी है वो होती है बेटा जी 21%, ऑक्सीजन होती है 21%। अच्छा 21% तो ऑक्सीजन होगी। अच्छा नाइट्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन होती है 98%। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं जिससे हम जी रहे हैं वो है सिर्फ 21%, और जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है नाइट्रोजन है वो कितनी परसेंट है, वो है 98%। तो ये आपको पता है ना नाइट्रोजन कैसे बढ़ती है, प्रदूषण से, प्रदूषण से नाइट्रोजन बढ़ती है, जिससे जो कितनी परसेंट है 98%। ऑक्सीजन किससे मिलती है, ट्रीज से, तो ट्रीज हमारे पास एवल्टी कम होने की वजह से 21%। और हाँ ये जो 21% 98% है वो आज का नहीं है, फिक्स रेशियो जो है ये आज का नहीं है, ये अब से बहुत समय पहले का रेशियो निकाला हुआ है, ठीक है। तो आज तो इनकी एवल्टी और हम मानते हैं कम हो गई होगी, ऑक्सीजन और भी कम हो गई होगी, नाइट्रोजन तो और सॉरी हमने थोड़ा सा गलत कर दिया बेटा, हम ध्यान नहीं दे, एक कुछ तो गलत हुआ है, हाँ ये रहा ना, ये हमारा गलत क्या हुआ, गलत भी नहीं हुआ, आपको समझाने के लिए वो लिखी कुछ और गया। तो हमने बताया था ऑक्सीजन कितना बताया था 21%, और ये कितना बताया है 78%, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब रीज़न ये होता है कि लगातार आपको वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, 21% ऑक्सीजन, ठीक है, 78% नाइट्रोजन जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है वो 78% है। अच्छा ये दोनों परसेंटेज कितने हो गए टोटल, ये होता है 99% हो गई ये दोनों, तो 1% कहाँ गई, भाई 1% जो गई वो किसके लिए दे दिया हमने, 21 तो हमने दे दिया इसको, और 78% है ये नाइट्रोजन, तो ये हो गया 99, और कितना बचा 1%। तो अदर गैसेस पे कितना होता है, 1% जो होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, 1% में क्या होता है, अदर गैसेस होती हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो याद रहे ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, और 1% में क्या होती है, अदर गैसेस, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये लिखा है ए लाइन ग्राफ शोइंग चेंज इन वेट ऑफ ए मैन विद एज, एज के अकॉर्डिंग व्यक्ति का, इंसान का जो वेट जो होता है उसमें चेंजिंग कैसे कैसे होता है, देखते हैं हम। यहाँ लिखा है एज इन ईयर, ये ध्यान रखना है कि एज एक तरफ लिखना होता है और एक तरफ क्या है, वेट इन किलोग्राम, ये किसमें किलोग्राम में लिखा होगा, किलोग्राम वेट लिखने खाली तो हो सकता है किलोग्राम में भी हो या किसी और में भी दे रखा हो, तो हमें क्या किलोग्राम लिखना होगा, ठीक है ना। अब जब कोई व्यक्ति 2 साल का था, जब कोई व्यक्ति 2 साल का था तो उसका वेट कितना था, ये 10 था, जब 4 का था तो 10 था, 10 से थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा ऊपर है, तो ये 10.10 में 11 भी हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, ठीक है। अच्छा जब 6 ईयर का था तो कितना हो गया, इसके ये थोड़ा सा बीच में आ रहा है, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 15 या फिर 16 केजी होगा, ठीक है ना। इसके बाद जब 8 का था तो कितना हो गया, 8 का था तो वो हो गया 20 केजी का, ठीक है। फिर उसके बाद जब 10 का था तो वो 20 केजी से थोड़ा ऊपर, मान लेते हैं 23 या 24, फिर थोड़ा सा बढ़ गया। फिर जब 14 ईयर का था तो कितने का बैठ रहा है, भाई 30 का ही बैठ रहा है ना लगभग, हाँ लगभग 30 का ही बैठ रहा है, आप स्केल से यूज़ करके चेक कर सकते हैं बेसर। एंड देन इसके अलावा फिर इसके बाद जब वो 16 पर पहुंचा
तो 16 पर पहुंचने के बाद उसका जो 16 पर आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 16 पर पहुंचने के बाद उसका जो ये यहाँ सीधा, तो 16 पर आ रहा 47, मतलब अबाउट 45। अच्छा, अब 16 के बाद जब वो 18 पर पहुंचा तो उसका एक साथ वेट ये बढ़ गया यहाँ, ठीक है। वो कहाँ था पहले, पहले था अप्रोक्सीमेट 45, पहले था अप्रोक्सीमेट 45, और जब वो 18 पर पहुंचा तो वो डायरेक्ट कितने का पहुंच गया, वो डायरेक्ट पहुंच गया भाई 70 पर। उसका जो वेट हो गया वो कितना हो गया, 70 अप्रोक्सीमेट, ठीक। फिर तो ये क्या है भाई, एज के अकॉर्डिंग हमारा जो वेट होता है वो भी तो इंक्रीमेंट होता है। अब एज जितनी बढ़ेगी हमारे वेट भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और अधिकतर क्षमता में क्या होता है, जब आदमी बैठा रहता है या फिर अदर कंडीशन, जैसे ये बीच में क्या हुआ, इसमें इसने कुछ प्रोसेसिंग नहीं किया हेल्थ के लिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसका वेट जो है वो कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया, इसका वेट बढ़ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में चलते हैं फिर हम, इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ में आपको दिया हुआ है क्या, मेकिंग ए ग्राफ एंड देन मेकिंग ए ग्राफ। अब इस दोनों ग्राफों में आपको क्या दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट ग्राफ में जो दिया हुआ है, फर्स्ट ग्राफ में आप देख रहे हैं सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा। इसके बाद आप देख रहे हैं बेटा जी, ये देखिए, तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इसलिए था कि ये टचिंग थोड़ा सा गलत हो गया, उसके लिए सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पर, आते हैं अपने वापस, मेकिंग ए ग्राफ। अब ग्राफ में क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं पहले क्या देख रहे हैं, टाइम इन मिनट, ठीक है ना, डिस्टेंस इन किलोमीटर। एक मिनट में ये जो गया है वो कितने गया है, 1 किलोमीटर जा रहा है। 2 मिनट में कितना जा रहा है, 2 किलोमीटर जा रहा है। तो आगे बना सकते हैं आप ना, ये लिखा हुआ है देखो, ये जो बिंदी है ना बीच में, ये बता रही है 1 मिनट में 1 किलोमीटर। यहाँ से देखना होता है ऐसे करके और ऐसे करके, जो ये मिडिल पॉइंट होता है यहाँ से, 1 मिनट में गया 1 किलोमीटर। फिर क्या हुआ, फिर 2 किलोमीटर, 2 मिनट में गया 2 किलोमीटर, फिर 3 में जाएगा 3 किलोमीटर, फिर 4 में जाएगा 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में 5 में जाएगा 5 किलोमीटर। तो 5 मिनट में 5 किलोमीटर, 4 मिनट में, ठीक है ना। तो ये मिनट ग्राफ में हो गया। इसी के बाद नीचे भी दे रखा है, नीचे भी क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, और यहाँ टाइमिंग दे रखा है। तो सेम है, सिमिलर है, और जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, आप समझ के होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं टाइम इन ए एम डिफरेंस हो जाता है इस चीज में, टाइम इन ए एम में क्या मतलब, सुबह के समय में, और डिस्टेंस इन किलोमीटर, किलोमीटर में डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बस, ठीक है ना, बस का टाइमग्राम टाइमर दे रखा है। क्या टाइमर दे रखा है भाई, टाइमर दे रखा है कि जो बस है, ठीक है, वो क्या है, 8:30 पर क्या है, स्टार्ट हुई है यहाँ से चलना, ठीक है। 8:30 पर कितने किलोमीटर कवर करेगी डिस्टेंस को, डिस्टेंस कवर करके 20 किलोमीटर, ठीक है। और जब 9 o'clock होगा तो 9 o'clock पर कितना कवर करेगी, 40 किलोमीटर कवर करेगी। जब 9:30 होगा तो कितना किलोमीटर कवर करेगी, 60 किलोमीटर कवर करेगी। और जब 10 टाइम हो जाएगा तो 80 किलोमीटर कवर करेगी। तो टोटल टाइम ये रहा, ड्यूरेशन अगर हम निकालना चाहें, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, वो 80 किलोमीटर कवर कर रही है। डिस्टेंस हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, क्या निकाल सकते हैं हम, उस बस की स्पीड निकाल सकते हैं कि वो किस स्पीड से गई होगी, ठीक है जी स्टूडेंट्स ना। तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ओवर होता है, चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, मोशन आपका, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो टाइम ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया, मोशन भी आपको क्लियर हो गया, गति कैसे होती है, ठीक है ना, स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने समझा होगा अच्छे तरीके से, और आगे और भी हम अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक बार सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा बार बार ना करें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।